हमेशा भविष्य की चिंता करने वाले यह कहानी जरूर सुने। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर शिव जी से मिलने कैलाश पहुँचे। गरुड़ बाहर द्वार पर खड़े रहे, तभी उनकी दृष्टि एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और उन्होंने उस चिड़िया को आश्चर्य से देखा। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है। उनको चिड़िया पर दया आई और वो चिड़िया को अपने पंजों में दबाकर हजारों कोस दूर जंगल में छोड़कर वापस कैलाश आ गए। जब यमदेव कैलाश से बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ लिया कि उन्होंने चिड़िया को आश्चर्य से क्यों देखा था। तो यमदेव बोले, जब मैंने चिड़िया को देखा तो ज्ञात हुआ कि उसे कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक सांप खा लेगा। मैं यही सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि नियति और मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। दोस्तों, हमें आने वाले पल में क्या होना है यह ज्ञात नहीं होता, फिर भी हम कल की चिंता में खोए रहते हैं, इसलिए हर एक पल को खुलकर जीना चाहिए। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।